सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सीक्रेट एप्स लॉकर के बारे में जो कि बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत ज्यादा एप्स लॉकर यूज किए होंगे, लेकिन आज के इस एप्स लॉकर की सबसे जो खास बात है वो ये है कि आप इस एप्स लॉकर को अपने मोबाइल फोन के जो वॉल्यूम बटन है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी खास बात वो ये है कि इस एप्स लॉकर का पता नहीं चलेगा कि ये आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल है या नहीं, मतलब इस एप्लीकेशन को वो कन्वर्ट करके एक नोटपैड में ओपन कर देगा, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये एप्स लॉकर है या कोई और एप्लीकेशन है। और जो तीसरी बात है दोस्तों, आप अपनी मर्जी से कोई भी खुफिया बटन अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे रख सकते हैं जहाँ पे आप टच करके इस एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा एप्स लॉकर है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लें उप्स एप्स लॉक। चलिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन का जो आइकन है वो देख सकते हैं, आपने ये एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। चलिए यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो एक बहुत ही छोटी सी फाइल है जो कि 2.38 MB की है। तो ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह आपको बताई गई हैं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी फिंगर से लेफ्ट साइड पर इसको स्वाइप करते जाना है और एंड पे जहाँ पे लिखा है सेटअप पासवर्ड, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप सेटअप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी जहाँ पे लिखा है सेटअप योर पासवर्ड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3 और 4, 5 का ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे 4 दफा अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए अपना जो वॉल्यूम बटन है वो दबाना पड़ेगा। तो अब इसमें जो लॉजिकल पॉइंट है जहाँ पे कोई भी आपका ओपन नहीं कर सकता लॉक, वो ये है कि आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मतलब आप रख सकते हैं 3 दफा आप वॉल्यूम अप का बटन दबा दें और 4थी दफा वॉल्यूम डाउन का बटन दबा दें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे 2 दफा वॉल्यूम अप और 2 दफा वॉल्यूम डाउन का बटन दबा देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। अभी देख सकते हैं हमारे पास लिखा है इंटर अगेन टू कन्फर्म। चलिए मैं दोबारा यहाँ पे 2 दफा वॉल्यूम अप का बटन और 2 दफा वॉल्यूम डाउन का बटन दबा देता हूँ। जैसे आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो भी आपने वॉल्यूम बटन से रखना है, उसके बाद यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप एक यहाँ पे कोई भी सवाल लिख लें ताकि जब भी आप भूल जाएं तो आप यहाँ पे उसका जवाब दे के उसको अनलॉक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं विच इज योर फेवरेट वेब ब्राउजर, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ गूगल। आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, उसके बाद सेटअप पर क्लिक कर दें। दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन का जो पासवर्ड सेटअप है उसको कंप्लीट करेंगे तो ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल फोन में कन्वर्ट होके एक के नोट के नाम से एप्लीकेशन है वो बन गई है। तो इस एप्लीकेशन से पता नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल फोन में कोई एप्स लॉकर है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे के नोट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका पासवर्ड आपने रखा हुआ है, ये नॉर्मल के नोट ही शो होगा आपको, लेकिन ये एप्स लॉकर है तो आपने जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप कर दे। मतलब मैंने वॉल्यूम का बटन है उसको 2 दफा ऊपर और 2 दफा नीचे एक तरफ रखा हुआ था, चलिए मैं वो प्रेस करता हूँ। जैसे आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन जो भी आपने की रखी है वो प्रेस करेंगे तो ये एप्स लॉकर आपके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऐप लॉक इज ऑफ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपने उसके बाद यहाँ पे इनेबल पे क्लिक कर दें। इनेबल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ से कुछ परमिशन है वो मांगेगी, तो आपने क्या करना है, जैसे ये न्यू पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन है के नोट की आपको नजर आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको अलाउ पे क्लिक करके इसको ऑन कर दें। इस तरह आपके मोबाइल फोन की जो परमिशन है वो इसको मिल जाएगी। उसके बाद हम वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद जो जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे लॉक करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दें और उसको लॉक कर दें। चलिए मैं प्ले स्टोर है इसको भी लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसको लॉक करने के बाद यहाँ पे जो कुछ सेटिंग्स हैं मैं थोड़ा सा आपको उसका भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड ऊपर देखें तो कुछ ऑप्शन बार बनी हुई है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ से एक्टिव कर दें। तो जैसे आप वापस आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें।
तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन शो आ गया है सेटअप वर्चुअल की, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे एक खुफिया बटन बना सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सेटिंग जो कि मैंने आपको बताई है, बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। चलिए हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद हम चेक करते हैं प्ले स्टोर को ओपन करके कि ये एप्लीकेशन लॉक हो चुकी है या नहीं है। चलिए हम यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने प्ले स्टोर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन लॉक हो चुकी है। चलिए मैं आप जो अपना वॉल्यूम बटन वो दबाता हूँ और जैसे मैं दबाऊंगा ये ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सीक्रेट ऐप्स लॉकर के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।